दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अब 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने दे दी मंजूरी। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना से जंग लगातार जारी है, मास्क से लेकर टीकाकरण तक के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बच्चों के लिए 3 कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोरोना की चौथी लहर बच्चों में बढ़ते संक्रमण के बीच इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा संकट स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर है। आपको बता दें कि DCGI ने 6 से 12 साल के आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, मंदिर हो या मस्जिद, योगी सरकार ने तेज आवाज पर लाउडस्पीकर उतारने का दिया आदेश। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने यूपी में मंदिर मस्जिद सहित सभी धार्मिक स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें उतारने का भी आदेश दे दिया है। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर, चाहे वे मंदिर हों या फिर मस्जिद हों या फिर किसी अन्य धर्म समुदाय के स्थल हों, लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक धर्म स्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज उस स्थल के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद के बाद यूपी में की गई जांच पड़ताल में पाया गया था कि कई स्थलों में निर्धारित मानक का उल्लंघन करते हुए अधिक संख्या में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध स्पीकरों को हटाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन कराया जाए। अगली बड़ी खबर, यूपी में लाउड स्पीकर पर भयंकर सख्ती, 125 उतरवाए गए और 17,000 की आवाज हुई धीमी। ये आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने धर्म स्थलों में तय मानकों का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची बनाने को भी कहा गया है, जहां पर ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। इस बीच ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि 125 लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए हैं और लोगों ने लगभग 17,000 स्पीकर की आवाज को कम कर लिया है। उन्होंने कहा कि अलविदा की नमाज के लिए संवेदनशील जनपदों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी, इस बार शाहीन बाग की बारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के बाद एक बार फिर से अवैध निर्माण हटाने की तैयारी हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस बार शाहीन बाग की बारी है। MCD ने इस बार शाहीन बाग को चिन्हित किया है। इतना ही नहीं, शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई वार्डों को चिन्हित किया गया है, जहां पर महावली को अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने के बाद BJP शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने का इरादा जताया है। 5 दिन पहले ABP न्यूज से बातचीत में आदेश गुप्ता ने कहा था कि वो दक्षिण दिल्ली को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी के बाद उत्तरी नगर निगम दिल्ली ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवा दिया था और अब शाहीन बाग की बारी है। अगली बड़ी खबर, महंगाई और रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से न्यू इंडिया पर तंज कसते हुए बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लोगों के रोजी रोजगार ही नहीं छिने, बल्कि करोड़ों उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया है। 90 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों ने थक हार कर नौकरी की तलाश छोड़ दी है। आधी आबादी की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 18% रह गई है। अमृतकाल में देश बेरोजगारी और महंगाई का विष पीने को मजबूर है।
अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद में राज ठाकरे की रैली का प्लान हुआ फेल। औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। नए आदेश के बाद जिले में 9 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की रैली के ऐलान से पुलिस ने पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। ठाकरे औरंगाबाद जिले में 1 मई को रैली करने वाले थे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के जरिए अजान के विरोध में वो 1 मई को औरंगाबाद जिले में रैली करने वाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित रैली में कहा था कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं, अगर ये नहीं रुका तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लाउड स्पीकर मस्जिदों और देश भर में गैर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इसे लाउड स्पीकर पर करेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे की चेतावनी के बाद 9 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, क्रीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा शिवसेना का मतलब आतंकवादी पैदा करना है। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बीच में चल रही जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब बीजेपी के पूर्व सांसद क्रीट सोमैया ने एक बार फिर से शिवसेना सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का मतलब आतंकवादी पैदा करना है। उनका कहना है कि मुझे मारने की कोशिश की गई, मैंने शिकायत दी तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब दो दिन बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना का मतलब आतंकवादी पैदा करना है। मुझे अब भी बहुत सारी धमकियां आती हैं। मैं ठाकरे सरकार के सभी घोटालों की जांच करवा कर इनका असली चेहरा सामने लाऊंगा और इनकी लंका जलाकर मानूंगा। सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगी, जिसको छोड़ा है उसको जेल जाना ही होगा। क्रीट सोमैया ने कहा कि वो राज्यपाल, केंद्रीय गृह सचिव और फिर न्यायालय के पास जाएंगे। क्रीट सोमैया ने साफ कर दिया है कि शिवसेना का मतलब आतंकवादी पैदा करना है। अगली बड़ी खबर, नरम पड़ गए नरेश टिकैत के तेवर। भारतीय किसान यूनियन के चीफ ने कहा कि धरना देकर समय खराब ना करें किसान। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने डटे रहे भारतीय किसान यूनियन का रुख अब नरम पड़ गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों और अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वो छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन ना करें और ना ही जहां भी जरूरी लगे जिला प्रशासन के साथ में बातचीत करके मुद्दों को सुलझाएं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट की अपील कर चुके नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं और वो जिसे चाहें वोट दे सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के चीफ के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो धरना देकर समय खराब न करें। अगली बड़ी खबर, 25 जुलाई को होगा राष्ट्रपति का चुनाव। 3 महीने के बाद देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। यह आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है। वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। आपको बता दें कि आने वाली 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब लगने वाला है एक और बड़ा झटका। जनता को बिजली की बढ़ती कीमतों से लगने वाला है करंट। ये आपको बता दें कि तेल और गैस की कीमतों में आग लगने के बाद अब बिजली का झटका भी लग सकता है। आपको बता दें कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पावर एक्सचेंजों में बिजली की औसत दर 6 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तमाम पावर एक्सचेंजों में इस बार बिजली की औसत 6 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा रह सकती है। ये पिछले 5 सालों की सबसे उच्चतम दर होगी। देश में आने वाले 3 महीनों में बिजली की मांग 8 से 9% बढ़ने की संभावना है। मांग ज्यादा होने का असर भी पावर एक्सचेंज पर पड़ने वाला है। महंगी बिजली का असर पावर एक्सचेंज में दिखने लगा है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाए।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से योगी हटाने की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज, लगाया 1,00,000 रुपए का हर्जाना। ये आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका 1,00,000 रुपए हर्जाने के साथ खारिज कर दी। कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि 6 सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया है। ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। हर्जाने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी। याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ अलग अलग नामों से लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नामांकन करते और शपथ लेते आए हैं, जबकि उन्हें सिर्फ अपने आधिकारिक नाम से ही चुनाव लड़ना चाहिए और उसी नाम से शपथ लेनी चाहिए। याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली है, उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया। वो अपने नाम के साथ योगी शब्द का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से करते हैं जैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर टाइटल का उपयोग किया जाता है, इसलिए उन्हें अपने नाम के आगे योगी शब्द का प्रयोग करने से रोका जाए। आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिका को न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली बताते हुए 1,00,000 रुपए हर्जाना लगाया और याचिका को खारिज कर दिया। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की तैयारी, अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। ये आपको बता दें कि देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सारे दल एक साथ आकर ये मोर्चा बनाने में लगे हैं। अगले महीने इन सभी दलों के प्रमुखों की लखनऊ में बड़ी बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि इससे मायावती और अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगने वाला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।